जादुई बाल का पेड़। बहुत समय पहले की बात है, बुलंदशहर में राखी अपने माता पिता के साथ रहती थी। राखी अपने शहर में ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। राखी बचपन से ही बहुत गरीब थी और वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, परंतु उसके सिर पर बहुत कम बाल थे। कुछ महीनों पहले राखी ने गलत तेल लगा लिया था, जिसकी वजह से राखी के बाल बहुत झड़ने लगे थे और वो धीरे धीरे गंजी होने लगी। राखी को ब्यूटी पार्लर में बहुत कम पैसे मिला करते थे। राखी अपने घर से पैदल ही ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। राखी की मालकिन को ये बात मालूम थी, परंतु वो राखी के ऊपर जरा भी दया नहीं खाती थी और वो राखी से पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करवाया करती थी। एक दिन राखी अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको उसकी दोस्त रोशनी मिलती है। अरे राखी, तुम तो कितने टाइम बाद मुझे मिल रही हो, तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर पास में ही ब्यूटी पार्लर की दुकान में काम करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो तुम वहाँ पर आ सकती हो, मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें कुछ डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है राखी, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो दरअसल आज मेरे घर पर एक पार्टी है और मैंने अपनी सभी सहेलियों को वहाँ पर बुलाया है, तो तू भी जरूर आना, ठीक है? राखी की दोस्त रोशनी उसको अपने घर का पता देकर अपने रास्ते की ओर चली जाती है। शाम होते ही राखी अपनी दोस्त के यहाँ पार्टी में चली जाती है। क्योंकि राखी बहुत गरीब थी, उसके पास पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े नहीं थे। वहाँ पर पार्टी में सभी लड़कियों ने सुंदर चमकीली और खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। राखी को इस तरह पार्टी में देखकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पार्टी में आई एक लड़की कहती है, अरे लगता है पार्टी में कोई भिखारन खाना मांगने के लिए आ गई है, लेकिन ये बिना पूछे घर के अंदर कैसे चली आई? इसे इसी समय घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं रोशनी की दोस्त हूँ, उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर सभी लड़कियाँ हंसने लगती है। रोशनी, अगर तुझे इस पर इतनी दया आती है तो तू इसे कुछ पैसे दे देती। इस तरह हम रईसों के बेइज्जतों ने इसे बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम यहाँ पर और नहीं रुकने वाले, अब हम सब इस पार्टी से जा रहे हैं। अपनी बेइज्जती होता देख रोशनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और पार्लर में मुझे इस तरह देखकर कस्टमर भी हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। मैडम, क्या आप अपनी किसी क्रीम से मेरे बालों को ठीक कर सकती हैं? मैं धीरे धीरे करके आपके सभी रकम चुका दूंगी। अरे ये तो क्या बोल रही है, तुझे मालूम भी है हेयर एक्सटेंशन में कितना पैसा लगता है? तुझे बालों की क्या जरूरत है, चल जा, जाकर अपना काम कर। इतना कहकर राखी की मालकिन वहाँ से चली जाती है। यहाँ धीरे धीरे राखी के सर पर से बाल गिर रहे थे और एक दिन उसके सभी बाल झड़ जाते हैं। राखी के पास अपने बालों के इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते। अरे नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती हूँ, और अगर मैं घर पर ही बैठी रही तो मेरी मालकिन मुझे काम पर से निकाल देगी। फिर राखी अपने सर को ढककर ब्यूटी पार्लर जाती है। राखी रास्ते से जा रही होती है कि तभी बाकी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक बनाने लगती है और उस पर खूब हंसती है। राखी को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो अपने विचारों में खो जाती है और एक पत्थर से ठोकर लगकर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। राखी के पैरों में से खून निकल रहा होता है, परंतु फिर भी राखी की कोई भी मदद नहीं करता। राखी वहीं बैठकर रोने लगती है। यहाँ ऊपर बादलों में गुनगुन परी घूम रही होती है। उसकी नजर राखी पर पड़ती है और उसे राखी पर बहुत दया आती है। गुनगुन परी राखी को उठाकर अपने साथ घर ले जाती है और अपने जादुई छड़ी की मदद से उसकी चोट सही कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, जो आपने मेरी मदद की। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुँची तो मेरी मालकिन मुझे काम पर से निकाल देगी। रुको राखी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर गुनगुन परी राखी को अपने साथ परीलोक ले जाती है। परीलोक में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर बहुत सारे सुंदर सुंदर लंबे और घने बाल लगे हुए थे। इस पेड़ के बाल किसी के भी ऊपर आराम से सेट हो जाते हैं और वो एकदम असली हो जाते हैं।
तुम इस पेड़ से बाल तोड़ सकती हो और इसे अपने सर पर लगा सकती हो। इसके बाद ये तुम्हारे सर पर सेट हो जाएंगे और एकदम असली लगने लगेंगे। उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं चढ़ाया करेगा और फिर सभी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। इन बालों को लगाते ही तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। और हाँ, ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई पेड़ के बाल है। इन बालों से तुम कुछ भी मांग सकती हो, ये तुम्हारी हमेशा सहायता करेगा। राखी परी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो जादुई पेड़ के बाल ले लेती है। राखी जैसे ही वो बाल अपने सर पर लगाती है, राखी बहुत एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देख राखी बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद देती है। इसके बाद राखी अपने घर वापस आ जाती है और उस जादुई बालों की वजह से वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। धीरे धीरे राखी का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है। उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर की लाइन लग जाती है। इस तरह राखी बहुत ही जल्द अमीर हो जाती है और वो अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। अब राखी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक दिन ये बात राखी के मालकिन को पता चलती है। अरे, ये राखी की बच्ची इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकती है? आखिर ये पहले से इतनी सुंदर कैसे हो गई? और इसके सर पर अचानक इतने सुंदर बाल कहाँ से आ गए? मुझे पता लगाना चाहिए, आखिर इसके पीछे राज क्या है? फिर एक दिन राखी की मालकिन सब कुछ पता लगाने के लिए राखी के घर के बाहर जाती है। वो छुप करके राखी के घरों में ताका झांकी करने लगती है। तभी राखी की मालकिन को जादुई बालों के बारे में पता चल जाता है और वो राखी के सुंदर बालों को चुराने की सोचती है। अच्छा, तो ये राज है, मुझे ये बाल किसी भी तरह अपने पास रखने होंगे। उसके बाद मैं भी इस राखी की तरह बहुत अमीर हो जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके वो बाल को चुराना ही होगा। इसके बाद राखी की मालकिन रात होने का इंतजार करती है और रात होते ही वो राखी के कमरे में चोरी चुपके से पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो राखी के बालों को उठाने की कोशिश करती है, तभी वो बाल अपनी जादुई शक्तियों से उसकी पिटाई करने लगती हैं। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, ये बाल तो मेरी जान ही ले लेगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर राखी की मालकिन वहाँ से डरकर भाग जाती है। इस तरह राखी की मालकिन को उसके किए पर पछतावा होता है और फिर उस दिन से वो किसी पर अत्याचार नहीं करती। और यहाँ दूसरी तरफ राखी अपने उन जादुई बालों के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है। बहुत समय पहले सीता नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उसी गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। अशोक के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी आरती थी। अशोक लकड़ियां बेचने का काम करता था। अशोक की बीवी उसके काम में उसकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन अशोक की पत्नी अशोक के साथ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गई, तभी उसे एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू का जहर इतना जहरीला था कि मौके पर ही अशोक की पत्नी ने अपना दम तोड़ दिया। उठो ना आरती की माँ, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। इतना कहकर अशोक बहुत रोने लगा। आरती को जब ये बात पता चली तो वो भी फूट फूट कर रोने लगी। जैसे तैसे अशोक ने आरती को संभाला, लेकिन फिर भी आरती को उसकी माँ की बहुत कमी महसूस होती थी। इसलिए अशोक ने सुशीला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अशोक की दूसरी पत्नी सुशीला दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसको एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए वो हमेशा आरती को बदसूरत बदसूरत कहकर उसका मजाक बनाया करती थी। एक दिन सुशीला घर में खाना बना रही थी, तभी आरती किचन में आकर कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ये सुबह की रोटी है, इसे ही प्याज के साथ खा लो। माँ वो रोटी सूख गई है, कुछ और खाने को दो ना। घर में यही है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ।
ऐसा कहकर सुशीला अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देख आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप से सब्जी रोटी खाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुशीला आरती के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया करती थी। उसे आरती अच्छी नहीं लगती थी। कुछ दिनों के लिए अशोक काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है। सुशीला मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। पहले ही दिन सुशीला आरती से कहती है, आरती जरा घर में पोछा लगा लेना और पोछा लगाने के बाद बर्तन भी धो लेना। जी माँ। बेटी पिंकी आओ, हम मोबाइल चलाएंगे। ऐसा कहकर सुशीला पिंकी के साथ मोबाइल चलाने लगती है। आरती को ये देख बहुत बुरा लगता है। काम होने के बाद वो अपने कमरे में जा रही थी, तभी सुशीला उसे कपड़े धोने के लिए कहती है। आरती चुपचाप से कपड़े धोती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर आरती बहुत रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ अच्छी नहीं है, मुझे प्यार भी नहीं करती है, खुद मोबाइल चलाती है और मुझे काम करने को कहती है। ऐसा कहकर आरती बहुत रोती है और कुछ देर में सो जाती है। शाम को सुशीला आरती से कहती है, अरे आरती की बच्ची, शाम हो गई है और तू अभी तक सो रही है। सुशीला आरती को बहुत डांटने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आंख लग गई थी। घर में कितने काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? आरती उठकर काम करने चली जाती है। ऐसे ही सुशीला उसे बहुत सारे काम बताकर खुद आराम किया करती थी। एक दिन सुशीला ने आरती को जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहा। आरती, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ। माँ, मैं इसके अलावा कोई भी काम कर लूँगी, आप मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए मत कहो। नहीं, तुम आज लकड़ियाँ काट कर लाओगी, नहीं तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, समझी? माँ, मुझे लकड़ियाँ काटना नहीं आता। मुझसे बहस मत कर, जा और लकड़ियाँ काट कर ला। आरती रोने लगती है। माँ, मुझे जंगल जाने में डर लगता है, मुझे वहाँ प्लीज मत भेजो। चल अब ज्यादा ड्रामे मत कर, तेरे जैसे बदसूरत लड़की को क्या ही हो सकता है भला। ये सुनकर आरती और ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद आरती को जंगल का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। वो लकड़ियाँ काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लकड़ियाँ नहीं कटती। कोशिश करते करते आरती के हाथों में बहुत चोट लग जाती है। आरती वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोने लगती है। तभी वहां पर जंगल की जादूगरनी प्रकट होती है और वो आरती से कहती है, क्या हुआ लड़की, तुम इतना क्यों रो रही हो? आप कौन हो? मैं इस जंगल की जादूगरनी हूँ, तुम क्यों रो रही हो? मेरी सौतेली माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और मुझे हमेशा काम करने को कहती है, मैं क्या करूं? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत जगह दिखाती हूँ। इसके बाद वो जादूगरनी आरती को अपने साथ एक जगह लेकर जाती है। वहाँ पर तीन तालाब थे। पहले तालाब का रंग लाल था, दूसरे तालाब का पीला और तीसरे का हरा। आरती तालाब को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जादूगरनी से कहती है, वाओ, ये तालाब कितने सुंदर है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी सुंदर जगह भी कोई हो सकती है। आरती, ये तालाब जादुई है, ये लाल तालाब तुम्हें पैसा देगा, पीला तालाब तुम्हें बहुत सारा सोना देगा और ये हरा तालाब तुम्हें खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी देगा। इन तालाबों में कोई नेक दिल का इंसान डुबकी लगाता है तो उन्हें इन तालाब की खासियत के हिसाब से सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। आरती मन ही मन सोचती है, अगर मैं इस पीले तालाब में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा, अगर मैं लाल तालाब में डुबकी लगाऊंगी
तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। और अगर मैं हरे तालाब में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी मिलेगा। मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, इसलिए मैं हरे तालाब में डुबकी लगाऊंगी। उसके बाद आरती हरे तालाब में डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही आरती दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसे बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आरती थोड़ी बहुत लकड़ियां लेकर घर जाती है। आरती को देख सुशीला के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो आरती से कहती है, अरे तुम इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? माँ पता है जंगल में तीन तालाब है, एक लाल तालाब पैसों का, पीला तालाब सोने का और हरा तालाब ज्ञान और सुंदरता का। मैंने हरे तालाब में डुबकी लगाई और मैं खूबसूरत बन गई। ये सारी बातें सुन सुशीला मन ही मन सोचती है, कैसी मूर्ख लड़की है, पैसा और सोना छोड़कर इसने ज्ञान और खूबसूरती चुना। मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ जाती हूँ और बहुत सारा पैसा सोना लेकर आती हूँ। उसके बाद सुशीला पिंकी को आवाज देती है और कहती है, पिंकी चलो मेरे साथ, हम जंगल में जाएंगे। वहाँ तीन जादुई अलग अलग रंगों वाले तालाब है, वहाँ से हम ढेर सारा सोना और पैसा लेकर आएंगे। अब चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है माँ चलो। इसके बाद पिंकी और सुशीला जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों तीन जादुई तालाब के पास पहुँच जाते हैं। तभी सुशीला पिंकी से कहती है, पिंकी बेटी तुम सोने वाले तालाब में डुबकी लगाना, मैं पैसे वाले तालाब में डुबकी लगाती हूँ, जिससे कि हमें पैसा और सोना दोनों मिल जाएगा। ठीक है माँ। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी डुबकी लगाते हैं। जब दोनों बाहर आते हैं तो दोनों ही बहुत काले और बदसूरत दिखाई देते हैं और उनके हाथ कोई सोना या पैसा भी नहीं लगता। बेटी तुम इतनी काली और बदसूरत कैसे बन गई? माँ आपका भी रंग कितना काला हो गया है, ये हम दोनों को क्या हो गया है माँ? तभी पिंकी और सुशीला के सामने वो जादूगरनी प्रकट हो जाती है और बोलती है, ये तीनों तालाब मेरे हैं, यहाँ कोई भी आकर डुबकी नहीं लगा सकता है। तुम दोनों के बुरे विचारों के कारण मैंने तुम्हें इतना बदसूरत बनाया है, अब अपने कर्मों का फल भुगतो। जादूगरनी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ करना, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ आरती आ जाती है। आरती जादूगरनी से कहती है, जादूगरनी आप इन्हें माफ कर दो, इन दोनों को इनकी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है, इन्हें पहले जैसा बना दो प्लीज जादूगरनी। ठीक है आरती, मैं इन्हें माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद इन्होंने फिर तुम्हें तकलीफ दी तो ये फिर से बदसूरत बन जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा जादूगरनी। जादूगरनी सुशीला और पिंकी को पहले जैसा बना देती है। सुशीला को अपने किए का पछतावा होता है तो वो आरती से माफी मांगती है। आरती भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद तीनों माँ बेटी घर चले जाते हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।